नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कई ऐसे गायक रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अपनी आवाज से महकाया है। आज से कुछ दशकों पहले की बात की जाए तो कई ऐसे सिंगर्स हुए जिनकी आवाज का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, चाहे वो मोहम्मद रफी हो, किशोर दा हो, लता जी हो या आशा जी। लेकिन अगर इन सिंगर से जरा और पहले की बात करें तो एक नाम था शमशाद बेगम का, जो मौसिकी की दुनिया में मिलती थी। आज के आधुनिक दौर में बहुत कम लोग शमशाद बेगम के बारे में जानते होंगे, लेकिन हाँ, कजरा मोहब्बत वाला, मेरे पिया गए रंगून, ये सबने सुना होगा। जी हाँ, ये गोल्डन इरा के गाने शमशाद बेगम ने ही गाए हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। हो सकता है इस वीडियो को देखते देखते आपको उनके कुछ और गाने याद आ जाएं, या आपने वो सुने हो और आपको ना पता हो कि ये गाना शमशाद जी ने गाया है। शमशाद बेगम, जिनकी आवाज का जादू आज भी कायम है। ना तो कजरा मोहब्बत वाला भुला पाए, न कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर। मौसिकी की दुनिया का नायाब हीरा थी शमशाद बेगम। इनके कई गानों ने पीढ़ियों को राहत की बारिश से किया सराबो। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिंगिंग का जब जिक्र किया जाता है तो महिला वर्ग कहें या महिला सिंगर में लता मंगेशकर और आशा भोसले के इर्द गिर्द भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का इतिहास घूमता नजर आता है। ये दोनों बेहतरीन हैं और ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं भी। मगर इन दोनों सिंगर से जरा और पहले की बात करें तो कुछ नायाब नाम और भी हैं जो मौसिकी की दुनिया में मिलते हैं। उनमें से एक नाम है शमशाद बेगम, वो आवाज जिसने कई पीढ़ियों को राहत की बारिशों से साराबोर कर दिया। शमशाद बेगम सिंगर तो जबरदस्त थी ही, साथ में बहुत बिंदास भी थी, खुले मन से गाने गाया करती थी, उन्हें फपता भी था। तभी तो उस जमाने में ही उन्होंने मुस्लिम होकर भी एक हिंदू से शादी की। यह आज भी इतना आसान नहीं है और समाज की दृष्टि इसे कबूल कर पाने में पूरी तरह सहज नहीं हो पाई है। शमशाद ने जब गणपत से शादी की वो तो बहुत पुराने समय की बात है। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उनके टैलेंट को सबसे पहले उनके प्रिंसिपल ने पहचाना था। 1924 में उन्होंने शमशाद की सुरीली आवाज सुनकर स्कूल की प्रेयर हेड बना दिया। शुरुआत ऐसी ही होती है। उन्होंने संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, लेकिन जो भी उनका गाना सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता था। 13 साल की ही उम्र में ही शमशाद ने जिनोफोन रिकॉर्ड के लिए गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कुछ ही समय में इस कंपनी के लिए 200 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिंगर अपने समय की सबसे महंगी गायिका भी थी। उन्हें हर गाने के लिए 12 से लेकर 13 रुपए तक मिलते थे। उस जमाने में ये रकम बहुत ज्यादा थी। बात 30s और 40s की हो रही है। शमशाद बेगम साल 1932 में गणपत से मिली थी। उस जमाने में शादी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। शमशाद के घर वाले भी उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद जिससे प्यार करती थी, जिसे पसंद करती थी, उसी से शादी भी करना चाहती थी। 1934 में देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे। लाहौर से लेकर अयोध्या नफरत में जल रहा था, पर शमशाद बेगम और गणपत लाल बट्टो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दो प्यार करने वालों को भला जमाने की फिक्र क्या। दोनों के घर वाले तक इस शादी के खिलाफ थे। हर तरफ इसकी चर्चा थी, लोग ताने मारना शुरू कर चुके थे, मगर अंत में जीत प्यार की ही हुई। दोनों ने शादी कर ली। बॉलीवुड करियर की बात करें तो देवानंद की फिल्म CID में उन्होंने एक गाना गाया था, लेकर पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। श्रोताओं को भी शमशाद से ये पहला प्यार ही था जो हमेशा बरकरार रहा। शमशाद ने कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर, मेरे पिया गए रंगून, छोड़ बाबुल का घर, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, सैया दिल में आना रे, रेशमी सलवार कुर्ता जालीदा और कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना जैसे गाने शामिल हैं। शमशाद के किसी भी गाने का प्रभाव इतना ज्यादा था कि आज भी सुनने में ये नए से लगते हैं और ऐसा लगता है कि आने वाली कई पीढ़ियां भी इन्हें हमेशा यूं ही नया रखेगी। शमशाद बेगम दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के आगे बड़ी एक्ट्रेस फेल थी। जिस वक्त वो गानों से सभी के बीच धूम मचा रही थी, तभी उनको एक्टिंग के लिए भी ऑफर आए, लेकिन परिवार की रूढ़िवादी सोच होने की वजह से उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। शमशाद ने हमेशा सादगी से भरी जिंदगी को जिया। उन्हें तस्वीरें खिंचवाना, लाइमलाइट में रहना और इंटरव्यू देना पसंद नहीं था। पति की मौत के बाद उन्होंने सिंगिंग को छोड़ दिया था, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उन्होंने सिंगिंग में अपना कमबैक PK घर आज प्यारी दुल्हनिया चली से किया था।
2009 में शमशाद बेगम को उनकी गायकी के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में 94 साल की उम्र में शमशाद बेगम का इंतकाल हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें।